डियर स्टूडेंट्स, आई एम दीपक ज्योति फ्रॉम सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश रीडर क्लास फोर्थ एज ए लेसन। द नेम ऑफ दिस लेसन इज स्टीम इंजन। तो चैप्टर टू है स्टीम इंजन, भाप का इंजन। चिल्ड्रेन, यू मस्ट हैव सीन द ट्रेन एंड इट्स इंजन। चिल्ड्रेन माने बच्चों, तुमने रेलगाड़ी और इसका इंजन देखा होगा। इंजन पुल्स द कंपार्टमेंट्स, इंजन डिब्बों को खींचता है। नाउ ए डेज यू कैन सी डीजल इंजन आर इलेक्ट्रिक इंजन। आजकल तुम डीजल इंजन और विद्युत इंजन को देख सकते हो। दीज इंजन्स आर यूलूसन ऑफ स्टीम इंजन्स। ये इंजन भाप के इंजन का विकसित रूप है। जेम्स वाट मेड स्टीम इंजन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जे सबसे पहले जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था। ही वॉज एन इंग्लिश मैन, वो एक अंग्रेज था। बॉर्न इन स्कॉटलैंड ऑन 19 जनवरी 1736। तो वो एक अंग्रेज था, उसका जन्म स्कॉटलैंड में 19 जनवरी 1736 में हुआ था। हिज फादर वॉज ए कारपेंटर, उसके पिता एक बढ़ई थे। हिज मदर वॉज ए काइंड वोमैन, उसकी माता एक दयालु औरत थी। जेम्स वाट हैड नो इंटरेस्ट इन बुक्स। जेम्स वाट को किताबों में रुचि नहीं थी। ही लाइक्ड हिज फादर्स जॉब ऑफ कारपेंटरी, उसे अपने पिता का बढ़ई का काम पसंद था। ही वर्कड हार्ड विद हिज फादर, उसने अपने पिता के साथ कठिन परिश्रम किया। वंस जेम्स वाज सिटिंग इन द किचन हुयर वाटर वाज बाउलिंग इन ए केटल कवर्ड बाई ए लिड। एक बार जेम्स वाट किचन में रसोई घर में बैठा हुआ था, जहाँ एक बंद ढक्कन वाली केतली में पानी उबल रहा था। स्टीम वाज कमिंग आउट ऑफ द केटल, भाप ढक्कन के द्वारा केतली से बाहर आ रही थी। जेम्स वाज लुकिंग अटेंटिवली, जेम्स उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहा था। ही सा स्टीम वाज पशिंग द लिड अपवर्ड, उसने देखा कि भाप ढक्कन को ऊपर धक्का दे रही है। पशिंग द लिड अपवर्ड, ऊपर की ओर धक्का दे रही है। केटल लिड रोज अप एंड फेल डाउन अगेन एंड अगेन, केतली का ढक्कन बार बार ऊपर उठता और नीचे गिरता। रोज अप मतलब उठता, फेल डाउन नीचे गिरता, अगेन एंड अगेन बार बार। तो केतली का ढक्कन बार बार ऊपर उठता और बार बार नीचे गिरता। ही केप्ट ऑन वॉचिंग इट, वो उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखता रहा। हिज आंट केम, उसकी आंटी आई, गॉट एंग्री और नाराज हुई, एंड सैड, और उन्होंने जेम्स से कहा, यू लेजी जेम्स, तुम आलसी जेम्स। सिटिंग आइडल हियर, यहाँ पर खाली बैठे हो, यहाँ पर बेकार बैठे हो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। जेम्स लिसेंड इट विद ए डीप ईयर, जेम्स ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब डीप ईयर मतलब बहरा हो गया, उसने बात नहीं सुनी, या जेम्स ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही पुट ए पीस ऑफ कोल ऑन द लिड, उसने ढक्कन पर एक कोयल, छोटा कोयले का टुकड़ा रख दिया। कोल मीन्स कोयला, पीस माने टुकड़ा, पुट माने रख दिया। उसने ढक्कन पर एक कोयले का टुकड़ा रख दिया। ही ऑब्जर्व्ड एज इट वाज स्टीम वाज कमिंग आउट एंड लिड वेंट अप एंड डाउन, उसने ध्यान दिया कि भाप बाहर आ रही थी और ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा था। मतलब उसने जब कोयले का टुकड़ा रखा, उसके बावजूद भी भाप बाहर आ रही थी और ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा था। ही क्राइड, वो चिल्लाया, आंटी आंटी,
प्लीज सी, कृपया देखो, स्टीम इज पशिंग लिड अपवर्ड, भाप ढक्कन को ऊपर की तरफ धक्का दे रही है। ही अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट स्टीम हैज पावर, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भाप में बहुत शक्ति है। स्टीम हैज पावर, भाप में बहुत शक्ति है। ही मेड एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट एज टू हाउ दिस पावर ऑफ स्टीम कैन बी पुट टू यूज, तो वो प्रयोग पर प्रयोग, मतलब एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स, वो प्रयोग पर प्रयोग करता रहा कि किस प्रकार भाप की इस शक्ति को उपयोग में लाया जाए, कि भाप की इस शक्ति को किस प्रकार उपयोग में लाया जाए। ही सक्सीडेड इन असेंबलिंग ऑफ ए स्टीम इंजन, इसके बाद वो भाप का इंजन बनाने में सफल हुआ। सक्सीड बने सफल हुआ, असेंबलिंग ऑफ स्टीम इंजन, भाप का इंजन बनाने में सफल हुआ। दस इस प्रकार ही मेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इस प्रकार उसने पहली बार इसको बनाया। स्टीम इंजन्स वाज यूज टू हॉल अप वाटर एंड कोल फ्रॉम द कोल माइंस, भाप के इंजन का प्रयोग पानी को खींचने, पानी को ऊपर खींचने, एंड कोल फ्रॉम द कोल माइंस, और कोयले की खान से कोयला खींचने के लिए हुआ। तो स्टीम इंजन का प्रयोग पानी को खींचने और कोयले की खान से कोयला खींचने के लिए हुआ। इट वाज नॉट सो पावरफुल टू पुल पैसेंजर्स इन ट्रेन, ये रेलगाड़ी में यात्रियों को खींचने के जितना शक्तिशाली नहीं था, मतलब ये रेलगाड़ी में यात्रियों को खींचने के लिए शक्तिशाली नहीं हो पाया। मतलब लेटर अनदर साइंटिस्ट नेम्ड जॉर्ज स्टीफेंसन वर्क ऑन इट, बाद में जॉर्ज स्टीफेंसन नामक दूसरे वैज्ञानिक ने इस पर काम किया एंड ही वाज सक्सेसफुल, और वो सफल हुए। ही ज्वाइंड टू कोचेस कैरिंग पैसेंजर्स विद द स्टीम इंजन, बाद में उन्होंने क्या किया, जब वो सफल हो गए, उन्होंने भाप के इंजन के साथ यात्रियों को ले जाने वाली दो बोगियों को जोड़ दिया। क्या लिखा हुआ है, टू कोचेस, दो जो है बोगियों को जोड़ दिया यात्रियों को ले जाने वाली, कैरिंग पैसेंजर, तो कैरिंग मन ले जाना, पैसेंजर मन यात्रियों को, तो जो यात्रियों को बोगियाँ ले जाती थी उनको दो बोगियों को इसके इंजन के साथ जोड़ दिया। प्यूपिल कॉल्ड इट, प्यूपिल लोग इसे कहते थे, क्या कहते थे, लोगों ने इसका क्या नाम दिया, द आयरन हार्स, लोहे का घोड़ा, तो लोगों ने इसे घोड़े, लोहे का घोड़े के नाम से पुकारा। दिस इज हाउ वी रीच एट द प्रेजेंट एज रेलवेज इंजन्स डीजल एंड इलेक्ट्रिक, इस प्रकार हम वर्तमान युग के रेलगाड़ी के डीजल और विद्युत इंजन तक पहुँचे। इस प्रकार हम वर्तमान युग के रेलगाड़ी जो आजकल चल रही हैं, डीजल हैं, विद्युत इंजन हैं, तो इस प्रकार से जो है हम वर्तमान युग के रेलगाड़ी के डीजल और विद्युत इंजन तक पहुंच गए। तो इस प्रकार हमारा दूसरा पाठ समाप्त होता है, और आप लोगों को मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि आप लोग नोट्स बुक बना लीजिए ताकि आपका कार्य जो है उस पर होता रहे और आपका नोट्स तैयार हो जाए। इसलिए थैंक्स।